नीट यूजी रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोपों के बीच नेशनल टेस्ट एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने मीडिया से बात की। नीट रिजल्ट कैंसिल होगा या नहीं, नीट री एग्ज़ाम होगा या नहीं, नीट का लेटेस्ट अपडेट क्या है, इस सब का जवाब सुबोध कुमार ने दिया। उन्होंने बताया कि एनटीए ने नीट परीक्षा को लेकर अहम फैसला लिया है। नीट की जो परीक्षा 5 मई को हुई थी 24,06,000 कैंडिडेट्स के लिए, जिसका परिणाम हमने 4 जून को जारी किया और एक डिटेल्ड हमने उसमें परिणाम जारी किया, जिसमें जो उसके बाद जो कैंडिडेट्स के कुछ ग्रीवांस इशूज आए थे उसको हम लोगों ने एक प्रेस रिलीज के माध्यम से 6 तारीख को क्लैरिफाई किया, जिसमें कुछ विषय थे कि टॉपर्स क्यों बढ़ गए, तो उसमें जो टॉप इस साल का जो पेपर था उसमें जो एवरेज मार्क्स हैं वो भी ज़्यादा हैं, और ये जो टॉपर्स हैं एक फिजिक्स में एक क्वेश्चन था उसमें एम्बिग्यूटी थी, उसको क्लैरिफाई किया। ये हर साल होता है कि अगर चैलेंज के बेसिस पे आंसर की रिवाइज होती है तो उसके हिसाब से मार्क्स रिवाइज होते हैं, तो वो भी रिजल्ट का ही एक प्रक्रिया का पार्ट है, तो उसके बेसिस पे कुछ लोगों के मार्क्स बढ़े। और एक जो प्रोपोर्शन एक इशू आ रहा था कि ये कुछ कैंडिडेट्स जो करीब पूरे जो हमने 4,750 सेंटर पे 24,00,000 लोगों के लिए कराया था उसमें 6 सेंटर्स से करीब 1,600 बच्चों का इशू आ रहा था कि इनके जो है मार्क्स, और उसमें पर्टिकुलरली एक सेंटर के बच्चों के मार्क्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसके लिए एक हमने कमेटी बनाई थी, ग्रीवांस डिसल कमेटी, जो बच्चे कोर्ट गए थे कि उनका टाइम लॉस हुआ उनको कंपनसेट किया जाए या रीटेस्ट किया जाए, तो कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इनका जो टाइम लॉस हुआ इनको इस फॉर्मूले के तहत जो एक पहले किसी अपेक्स कोर्ट के जजमेंट में था उसके तहत इनको कंपनसेट कर दिया जाए, तो उसके बेसिस पे रिजल्ट इशू हुआ। अब जो है इसमें एक सेंटर से ज़्यादा आ रहे हैं बच्चे, इस तरीके का इशू है, तो इन सबको जो हमारी कमेटी थी उनको जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको फिर से हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, एक रिटायर्ड जो यूपीएससी के चेयरपर्सन हैं उनकी अध्यक्षता में, वो इनको पूरा इसको देखेगी, और जो ये इश्यूज हैं 1600 बच्चों के 6 सेंटर के, और उनको उसके बारे में अपनी रिकमेंडेशन देंगी, और जो पूरे मतलब 23,00,000 बच्चों का है और ये जो 1600 बच्चे हैं इन दोनों को आश्वस्त यही किया जाता है कि एग्ज़ाम जो कंडक्शन हुआ वो पूरी तरीके से अच्छा हुआ, कहीं पे कोई इंटेग्रिटी कम्प्रोमाइज नहीं हुई है, जो इशू ये 1600 बच्चों के कंपनसेटरी मार्क्स देने का है इसको रिविजिट करेंगे और जो कमेटी रिकमेंड करेगी उसके आधार पर निर्णय लेंगे। और एक आखिरकार, किसी का भी कैरियर में नुकसान न हो, उनको एडमिशन में समय न लगे और किसी तरह की उनको दिक्कत न हो, इसके लिए क्या मंत्रालय के द्वारा कोई स्टेप या एनटीए के द्वारा कोई स्टेप लिए जा रहे हैं? ये प्रक्रिया भी जो है हम कम समय में ही पूरी कर लेंगे, जिससे जो कॉलेजेज का सेशन है वो टाइम से ही हो, इस तरीके